हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम द टेलर एंड द एलिफेंट स्टोरी की ट्रांसलेशन सीखेंगे, यानी दर्जी और हाथी की कहानी की ट्रांसलेशन सीखेंगे। ये स्टोरी लिख लेना, याद कर लेना, मुझे व्हाट्सएप कर देना। सबसे पहले लाइन देखिए। वंस देयर वाज एन एलिफेंट, एक बार एक हाथी था। कौन था? हाथी था। ही वेंट टू अ रिवर टू टेक बाथ डेली, वह हमेशा नहाने के लिए रिवर पर जाया करता था, नदी पर जाया करता था। कौन? हाथी जाया करता था। देयर वॉज अ टेलर्स शॉप ऑन द वे, वहां पर रस्ते में एक दर्जी की दुकान थी। शॉप होती है दुकान, दुकान थी दर्जी की। द टेलर गेव बनानास टू द एलिफेंट, वो दर्जी हाथी को केले दिया करता था खाने के लिए, रोज उसको केले खिलाया करता था। दे बिकेम फ्रेंड्स, दर्जी और हाथी दोनों दोस्त बन गए थे। कौन बन गए दोस्त? दर्जी भी और हाथी भी दोस्त बन गए। वन डे, एक दिन क्या हुआ, द टेलर वॉज एंग्री, वो दर्जी था जो, उसको गुस्सा आया हुआ था। एंग्री का मतलब गुस्सा, वो बड़े गुस्से में था। द एलिफेंट केम, हाथी आ गया, उसके पास हाथी आया। द टेलर डिड नॉट वेलकम हिम, उस दर्जी ने उस हाथी का स्वागत नहीं किया, उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। द एलिफेंट पुट हिज ट्रंक इनटू द शॉप, उस एलिफेंट ने अपना जो सूंड था वो दुकान में रख दिया ताकि दर्जी उसको कुछ खिला सके। अपना सूंड दुकान में रख दिया। द टेलर पिक्ड हिज ट्रंक विद अ नीडल, अब उसने क्या किया, दर्जी ने एक सुई के साथ उस सूंड को जो है उठा दिया, यानी उसने वो सुई उसके सूंड में चुभो दी। द एलिफेंट बिकेम एंग्री, अब जो है वो हाथी गुस्सा हो गया। पहले दर्जी गुस्सा था, अब हाथी गुस्सा हो गया। बट ही वेंट अवे, लेकिन उसके बाद वो वहां से चला गया। कौन चला गया? हाथी चला गया। नेक्स्ट लाइन देखिए। द एलिफेंट वेंट टू द रिवर, एलिफेंट नदी में गया, नदी पर दोबारा फिर से चला गया। He filled his trunk with dirty water. उसने अपने सूंड को डर्टी वॉटर से भर लिया। फिल्ड का मतलब भर लिया, और डर्टी वॉटर होता है प्यारे बच्चों गंदा पानी, यानी कीचड़ उसमें भर लिया, गंदा पानी भर लिया सूंड में। He threw the dirty water into the tailor's shop. और उसने वो गंदा पानी टेलर की दुकान में डाल दिया। नेक्स्ट लाइन देखिए। टेलर्स न्यू क्लोथ्स, उस दर्जी के नए नए जो कपड़े थे वर स्पॉइल्ड, वो बिगड़ गए, खराब हो गए। स्पॉइल्ड का मतलब खराब हो जाना। द टेलर बिकेम सैड, अब जो है दर्जी उदास हो गया। अब इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस स्टोरी से हमें शिक्षा मिलती है, इस स्टोरी का मोरल है प्यारे दोस्तों, टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी। इसका मतलब ये हुआ कि दर्जी ने जैसा किया उसने ऐसा ही भरा, यानी उसने नुकसान किया, किसका? हाथी का नुकसान किया ना, और फिर उसको भरपाई क्या करनी पड़ी, उसके सारे नए नए कपड़े गंदे हो गए, यानी बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये स्टोरी याद कर लेना, लिख लेना, मुझे व्हाट्सएप कर देना। ओके प्यारे बच्चों।